Today, let's talk about M. Nagaraj versus Union of India. M. Nagaraj versus Union of India में petitioner ने 77th, 81st, 82nd और 85th amendments को चैलेंज किया था. कोर्ट ने इन सारे ही amendments को constitutionally valid declare किया, पर इन्होंने कुछ controlling conditions लगाई, जिसने reservation in matters of promotion को देने में कुछ problems create करी. साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि कौन से आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इसमें डिक्लेयर किया गया था. सो 16(4)A जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात करता है, दैट वाज हेल्ड वैलिड. कैरी फॉरवर्ड रूल अंडर 16(4)B वाज हेल्ड वैलिड एंड प्रोविजो टू आर्टिकल 335 वाज हेल्ड वैलिड. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दोज थ्री कंट्रोलिंग एंड कंपेलिंग रिक्वायरमेंट्स जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अगर आपको देना है तो ये रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए. पहली कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि एससी और एसटी में बैकवर्डनेस है. दूसरा, यू विल हैव टू प्रूव कि एससी और एसटी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. और तीसरा, यू विल हैव टू मेंटेन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज ऑल दैट वाज हेल्ड इन द एम. नागराज जजमेंट. थैंक यू.